हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरी एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी अपगार स्कोरिंग के बारे में। अपगार स्कोर क्या होता है? अपगार स्कोर बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि जब भी हम कोई एग्जाम देते हैं नर्सिंग से रिलेटेड, चाहे वो एनएम का हो, जेएनएम का हो, पोस्ट बीएससी का हो, बीएससी नर्सिंग का हो, या फिर पोस्ट एमएससी का हो, हमेशा इससे क्वेश्चन पुट अप होते ही होते हैं। एक या दो क्वेश्चन तो हमेशा आते हैं। अगर आपने अच्छे से अपगार स्कोरिंग पढ़ा हुआ है तो आप एक दो क्वेश्चन अच्छे से कर पाएंगे। हम सभी को पता है कि सिलेक्शन हमेशा एक नंबर से ही होता है। एक नंबर हम गेन करने के लिए बहुत सारा कुछ करना पड़ता है। तो आइए आज हम आपको बताएंगे अपगार स्कोर, जो आपकी नॉलेज को इम्प्रूव करने में आपकी हेल्प करेगा। तो आइए देखते हैं अपगार स्कोर के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, अपगार स्कोर होता क्या है? अपगार स्कोर एक मैथमेटिकल मेथड होता है, जिसके थ्रू हम ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि जो न्यू बॉर्न बेबी है, वो जब यूट्राइन एटमॉस्फेयर से हमारे एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर में आता है, तो वो खुद को कैसे सर्वाइव करता है या उसकी कंडीशन क्या होती है। अपगार स्कोर के थ्रू हम ये पता करते हैं कि बेबी सर्वाइव कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर अपगार स्कोर सबसे पहले कब आया और इसको किसने बनाया। तो हम यहाँ देखेंगे, अपगार स्कोर इज इन्वेंटेड बाय डॉक्टर वर्जीनिया अपगार इन 1952। तो देखा आपने यहाँ पे कि डॉक्टर वर्जीनिया अपगार, जो यूएस के एनेस्थेटिक थे, उन्होंने 1952 में पहली बार अपगार स्कोरिंग का आविष्कार किया। उसके बाद अपगार स्कोरिंग टाइम, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, हम ये नहीं समझ पाते हैं कि आखिर अपगार स्कोरिंग कब कब करनी चाहिए। तो हमने इसमें बताया है कि अपगार स्कोरिंग का जो टाइम होता है वो क्या होता है। अपगार स्कोर जैसे न्यू बॉर्न बेबी का बर्थ होता है, उसके एक मिनट में ही हम अपगार स्कोरिंग कर लेते हैं, और जो दूसरी बार अपगार स्कोरिंग होती है वो 5 मिनट पे होती है। यहाँ पे जब हमने पहली बार अपगार स्कोरिंग 1 मिनट में किया, तो उसके बाद जब हम सेकेंड बार 5 मिनट में अपगार स्कोरिंग करते हैं, तो क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं कि जब बेबी यूट्राइन एटमॉस्फेयर से एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर में आता है, तो उस कंडीशन में बेबी की जो कंडीशन होती है वो पूरी तरह से एबनॉर्मल होती है। लेकिन जैसे ही 5 मिनट होते हैं, तो वो थोड़ा थोड़ा खुद को स्टेबल करने लगता है। इसलिए 5 मिनट में हम जो भी अपगार स्कोर करेंगे वो बहुत ही बेटर मिलेगा 1 मिनट के अपेक्षा। आता है ना, अगर हमको जरूरत पड़ती है कि नहीं अभी भी बेबी की कंडीशन पूरी तरह से सही नहीं हुई है, तो उस कंडीशन में या जो भी पीडियाट्रिक डॉक्टर होते हैं, अगर वो ये इंडिकेट करते हैं कि नहीं बेबी का मेजर फिर से करना चाहिए, तो आफ्टर 15 मिनट हम फिर से अपगार स्कोरिंग करते हैं। उसके बाद जो अपगार स्कोरिंग का मार्क्स होता है वो कैसे होता है? अपगार स्कोरिंग का टोटल मार्क्स 10 होता है। अपगार स्कोरिंग का जो टोटल स्कोर होता है वो 10 मार्क्स का होता है। इसमें हमने कुछ इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे 7 to 10 मार्क्स। जैसे ही हमने अपगार स्कोरिंग की, उस कंडीशन में अगर कैलकुलेट करने के बाद हमें 7 से 10 मार्क्स मिले, तो इसका मतलब होता है कि जो हमारा बेबी होगा उसे किसी प्रकार की कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, वो इस एटमॉस्फेयर में पूरी तरह से खुद को एडजस्ट कर लिया, उसने वो पूरी तरह से सर्वाइव कर सकता है। आफ्टर दैट अगर हमने देखा कि हमारा अपगार स्कोर 4 से 6 मार्क्स आता है, हमारा अपगार स्कोर जो है उसमें हमने 4 से 6 मार्क कलेक्ट किए हुए हैं, तो ये इस बात को इंडिकेट करता है कि जो बेबी है वो यूट्राइन एटमॉस्फेयर से आने के बाद इस एटमॉस्फेयर में, जो एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर होता है, उसमें उसे थोड़ी कॉम्प्लिकेशन हो रही है खुद को एडजस्ट करने में, तो उसमें माइल्ड डिप्रेशन इंडिकेट करता है। आफ्टर हम देखते हैं कि अगर हमने जो स्कोरिंग की है वो 0 से लेकर 3 मार्क्स आती है, तो ये इस बात को इंडिकेट करता है कि बेबी खुद को सर्वाइव नहीं कर पा रहा है, उसको तुरंत ही रिसस्टेशन की जरूरत है, और इसके लिए हम जल्दी से इमरजेंसी मेडिसिन और जो भी इमरजेंसी केयर होती है वो बेबी को अवेलेबल करवाते हैं। तो आपने यहाँ पे देखा कि जो हमारा अपगार स्कोर है वो 1952 में आया था बाय डॉक्टर वर्जीनिया अपगार के थ्रू,
और जो इसका अफगान स्कोरिंग टाइम होता है वो पहला होता है 1 मिनट, दूसरा 5 मिनट, और जो तीसरा अफगान स्कोरिंग होता है टाइमिंग, अफगान स्कोर लेने का टाइमिंग होता है वो अगर जरूरत है तब हम कर लेते हैं, अदरवाइज ये 2 बार इनफ है। आफ्टर देन हम देखते हैं इसका जो स्कोरिंग मार्क है कि कितना हमने मार्क लिया हुआ है बेबी स्कोरिंग के बाद, बेबी का अफगान स्कोरिंग के बाद हमको कितने मार्क्स मिले हैं, तो वो हमको यहाँ पे देखना रहता है इस चार्ट के थ्रू। अगर हमने मार्क्स 7 to 10 बेबी को दिया हुआ है तो ये इंडिकेट करेगा कि बेबी को कोई डिप्रेशन नहीं है। अगर मार्क हमारा 4 to 6 आता है तो बेबी को माइल्ड डिप्रेशन है, लेकिन अगर वहीं पे मार्क्स 0 to 3 मार्क्स हमको मिलते हैं तो बेबी को मिलते हैं, तो इसका मतलब है कि सीवियर डिप्रेशन है बेबी को। अब हम आपको बताएंगे चार्ट के थ्रू कि अफगान स्कोर में हम क्या क्या देखते हैं। हमने यहाँ पे एक चार्ट बनाया हुआ है जिसमें पूरी तरह से दिखाया गया है कि अफगान स्कोर में क्या क्या चीजें आती हैं। तो जो अफगान ये निमोनिक्स है इसके थ्रू हमने इसको आइडेंटिफाई किया हुआ है पूरी तरह से, आपको इसमें डिटेल पता चल जाएगा कि हाँ अफगान में हम क्या क्या चीजें देखते हैं। तो सबसे पहले ए, ए से होता है हमारा अपियरेंस, अपियरेंस जो रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड होता है, और इसमें हम देखते हैं स्किन कलर। सेकेंड आता है हमारा पी, पी मतलब पल्स, पल्स जो हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड होता है, और इसमें हम देखते हैं हार्ट रेट। आठवां आता है जी, जी जो है ग्राइमेस, ग्राइमेस में हम देखते हैं बेबी का रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी। आठवां आता है ए, ए में है एक्टिविटी जो बेबी के सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होती है, और इसमें हम देखते हैं बेबी का मसल टोन। इसके बाद आता है आर, आर से होता है रेस्पिरेशन, इसमें हम बेबी का रेस्पिरेशन देखते हैं, और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि जितना ये अफगान जो स्कोर होता है इसमें मेनली 3 सिस्टम इंक्लूड होते हैं, पहला रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम। लेकिन साथ ही इसमें क्वेश्चन आता है, अफगान स्कोरिंग में क्वेश्चन बनता है कि क्या अफगान स्कोरिंग में ब्लड प्रेशर और रेस्पिरेटरी रेट को इंक्लूड किया गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कहीं भी बीपी को इंक्लूड नहीं किया गया है, और ना ही यहाँ पे रेस्पिरेशन तो दिखाया गया है लेकिन रेस्पिरेटरी रेट को इंक्लूड नहीं किया गया है। वो क्यों नहीं किया गया वो आपको बताते हैं। एक्चुअली जब जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसका जो ब्लड प्रेशर होता है और रेस्पिरेटरी रेट होता है वो पूरी तरह से अनस्टेबल होता है, इसीलिए इसको अफगान स्कोरिंग में इंक्लूड नहीं किया गया है। अब हम आपको बताएंगे अफगान स्कोरिंग जो मार्क्स होता है उसका चार्ट, कि आप कैसे ये डिफाइन कर पाएंगे कि हमको बेबी को कितने मार्क्स देने हैं, तो ये हम एक चार्ट के थ्रू समझेंगे। आइए देखते हैं फ्रेंड्स, हम आपको बताएंगे कि अफगान स्कोरिंग आप कैसे करेंगे। हम यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में हम देखेंगे सबसे पहले कि बेबी की कंडीशन कैसी है। अगर बेबी का रेस्पिरेशन अब्सेंट है या यूं कहें कि हम उसको फील नहीं कर पा रहे हैं तो उस कंडीशन में हम उसको 0 मार्क्स देंगे, लेकिन अगर बेबी का रेस्पिरेशन स्लो है, इरेगुलर है, उस कंडीशन में हम 1 मार्क देंगे। लेकिन अगर वहीं बेबी का जो रेस्पिरेशन है वो गुड है और बेबी अच्छे से क्राई कर रहा है तो उस कंडीशन में हम उसको 2 मार्क्स देंगे। उसके बाद हम देखेंगे हार्ट रेट, हार्ट रेट में सेम कंडीशन होगी, जैसे अगर बेबी का हार्ट रेट एब्सेंट मिल रहा है या फील नहीं कर पा रहा है तो उस कंडीशन में हम उसको 0 मार्क्स देंगे, लेकिन अगर बेबी का हार्ट रेट बिलो 100 आ रहा है या फिर स्लो है तो उस कंडीशन में उसको 1 मार्क देंगे, लेकिन अगर हार्ट रेट मोर देन 100 से अधिक आ रहा है तो उस कंडीशन में हम उसको 2 मार्क्स देंगे। उसके बाद हम देखेंगे बेबी का मसल टोन, मसल टोन में देखेंगे सबसे पहले आएगा फ्लैक्सिड। अगर बेबी की मसल टोन बहुत वीक है, अगर बेबी को हम टच कर रहे हैं, पिंच कर रहे हैं, उस कंडीशन में बेबी में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन में हम बेबी को 0 मार्क्स देंगे। सम फ्लेक्शन ऑफ एक्सट्रीमिटी, अगर हम बेबी के हाथ या पैर को टच करते हैं तो और उस कंडीशन में बेबी में कुछ फ्लेक्शन उभरते हैं, जैसे हमने बेबी की फिंगर को पिंच किया उस कंडीशन में बेबी में कुछ एक्टिविटी देखने को मिलती है तो उस कंडीशन में हम बेबी को 1 मार्क्स देंगे। लेकिन अगर वहीं पे अगर बेबी एक्टिव बॉडी मूवमेंट है, जैसे हमने उसको पिंच किया या कहीं हल्के से थपथपाया उस कंडीशन में बेबी अपने एक्सट्रीमिटीज को बहुत ज्यादा सिकोड़ लेता है या फ्लैक्स करता है तो उस कंडीशन में हम ये समझेंगे कि बेबी का जो फ्लैक्शन है, मसल टोन है, वो बहुत अच्छा है, उस कंडीशन में बेबी को 2 मार्क्स देंगे। हम देखेंगे
रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स। रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स में अगर बेबी कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, अगर बेबी को हम टच कर रहे हैं, पिंच कर रहे हैं, बेबी कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में हम उसको जीरो नंबर देंगे। लेकिन अगर कोई बेबी ग्राइमेस, ग्राइमेस मीन्स होता है जैसे बेबी कुछ ऐसी एक्टिविटीज कर रहा है, अपने फेशियल एक्सप्रेशन दिखा रहा है, जैसे मुंह बना रहा है या फिर आंखों को ब्लिंक कर रहा है, तो उस कंडीशन में हम उसको वन मार्क देंगे। अगर हमने बेबी को टच किया या उसको पिंच किया, बेबी क्राई कर रहा है, तो उस कंडीशन में हम उसको टू मार्क्स देंगे। आपन देखें हम बेबी का स्किन कलर, कि बेबी का स्किन का कलर कैसा है। अगर बेबी पूरी तरह से ब्लू या पेल कलर में है, मतलब नीला या फिर पीला कलर में है, तो उस कंडीशन में हम बेबी को जीरो मार्क्स देंगे। और उसमें ये इंडिकेट करेगा कि बेबी को सेंट्रल साइनोसिस है। आफ्टर दैट हम देखेंगे कि अगर बेबी का बॉडी पिंक है लेकिन एक्सट्रीमिटीज ब्लू है, तो उस कंडीशन में ये इंडिकेट करता है कि बेबी को पेरिफेरल साइनोसिस है। बेबी को पेरिफेरल साइनोसिस है, उस कंडीशन में हम बेबी को वन मार्क्स देंगे। लेकिन अगर बेबी का होल बॉडी एक्सट्रीमिटी पूरी तरह से कंप्लीटली पिंक है, तो उस कंडीशन में हम बेबी को टू मार्क्स देंगे। अपगार स्कोर करने के बाद हम यहाँ पे अपने टोटल मार्क्स को ऐड करेंगे कि जो भी बेबी है उसको कितने टोटल मार्क्स मिले हैं, और मार्क्स के अकॉर्डिंग ही हम ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे, डिटरमाइन कर पाएंगे कि बेबी को किस कंडीशन में रखा जाए। जैसे अगर जैसे यहाँ मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो टोटल स्कोर होता है वो 0 to 10 होता है, 0 to 10 होता है। अगर हमारा बेबी 8 से ऊपर मार्क्स गेन करता है, तो इसका मतलब होता है कि बेबी को कोई भी डिप्रेशन नहीं है। लेकिन अगर वही बेबी हमारा बेबी 0 to 3 मार्क्स गेन करता है, तो ये कंडीशन इंडिकेट करती है कि हमारा बेबी सीवियर डिप्रेशन में है और उसको इमरजेंसी ट्रीटमेंट देने पड़ेंगे। और अगर वही बेबी ने 4 to 6 वहीं पे बेबी ने अगर 4 to 6 मार्क्स गेन किए हुए हैं, तो ये इंडिकेट करेगा कि बेबी माइल्ड डिप्रेशन में है, तो उसको कुछ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट देने पड़ेंगे। अब तक अगर हमारा टोटल जो स्कोर होता है उसमें बेबी 7 to 10 अगर बेबी 7 to 10 मार्क गेन करता है, तो ये इंडिकेट करेगा कि बेबी को कोई डिप्रेशन नहीं है, बेबी बिल्कुल सही है, बिल्कुल हेल्थी है, वो अपने आप को इस एनवायरनमेंट में पूरी तरह से एडजस्ट कर पा रहा है। तो फ्रेंड्स, देखा आपने, हमने आज आपको अपगार स्कोरिंग के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें बताई। तो आई थिंक आपने इस चैप्टर के थ्रू बहुत कुछ सीखा होगा, जो आपको हर तरह के एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। फ्रेंड्स, मैं आप एक जरूरी बात बताना चाहूंगी, और ये कि कोई भी एग्जाम छोटा या बड़ा कैसा भी हो, उसके लिए प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए, और अच्छी प्रिपरेशन के लिए हमारे पास अच्छा टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, डीप थिंकिंग होनी चाहिए, और इसके लिए हमें पहले से प्लानिंग करनी पड़ती है। कोई भी प्रिपरेशन 1 या 2 दिन में नहीं होती है। अक्सर ऐसा होता है कि स्टूडेंट जैसे ही फॉर्म आता है उसके बाद स्टूडेंट पढ़ाई करना शुरू करते हैं, तो ऐसे आप कहीं पे भी खुद को इम्प्रूव नहीं कर पाओगे। अगर आप चाहते हैं कि आप फ्यूचर में अच्छा स्कोर करें, तो इसके लिए आपको कम्प्लीटली पहले से एक सिस्टमेटिक प्रिपरेशन करनी होगी, और उसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी। लेकिन आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपके साथ हैं। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम्स होती है आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, आपके प्रोसीजर से रिलेटेड या नर्सिंग से रिलेटेड, तो आप इसके लिए मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको हर तरह के जवाब देने के लिए यहाँ पे तत्पर हूँ। आप जैसे चाहेंगे मैं वैसे आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूंगी। तो फ्रेंड्स, आज तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और उस वीडियो में भी मैं आपको बताऊंगी कुछ खास चीजें। तो इसके लिए आपको मेरे साथ जुड़े रहना होगा, और मेरे साथ रहने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। फ्रेंड्स, लास्ट में बस हम आपसे यही कहना चाहेंगे, कीप सपोर्टिंग, कीप लर्निंग विद मी। थैंक यू सो मच।